हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल राइडर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टीवीएस अपाचे 204V रेसिंग एडिशन 2.0। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी डिटेल में देने वाले हैं कि इस बाइक में क्या क्या नए अपडेट्स आ चुके हैं, क्या क्या नए फीचर्स आ चुके हैं, कलर वेरियंट क्या है, प्राइस कितनी है, टॉप स्पीड कितना है, माइलेज कितना है। तो इन सब के बारे में हम दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी डिटेल में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप अगर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है न्यू टीवीएस अपाचे 204V रेसिंग एडिशन 2.0। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा ये बाइक टीवीएस मोटर कंपनी की सबसे भौकाली और सबसे दमदार बाइक है। बाइक की दुनिया में दोस्तों अपनी अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, गौर कीजिएगा आप लोग कि आपके सामने जो अभी आपके सामने जो बाइक है टीवीएस अपाचे 204V रेसिंग एडिशन 2.0, ये बाइक FI वर्जन नहीं है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आपको FI यानी फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम देखने को नहीं मिलने वाला है, ये आपका कार्बोरेटर सिस्टम वाला है। तो FI वेरिएंट दोस्तों एजेंसी में अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वो आ जाती है हम उसका भी रिव्यू आपको बना के देंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके सबसे पहले इसके कलर वेरिएंट के बारे में। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके चार कलर वेरिएंट मार्केट में हैं। पहला है ब्लैक, दूसरा है ग्रे, तीसरा है रेड और चौथा ठीक आपके सामने है वाइट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वाइट कलर में इसकी खूबसूरती जो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की निकल के आती है। और दोस्तों, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो व्हाइट कलर की अपाचे मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बट दोस्तों, सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो आपका अपना फेवरेट कलर कौन सा है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा अपडेट 2019 का इसमें आया है वो है डुअल चैनल ABS और ARTS स्लीपर क्लच। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। और जो खास बात है दोस्तों उसमें है ये इसका स्लीपर क्लच। तो इसमें आपको स्लीपर क्लच मिला है दोस्तों, जो कि ARTS स्लीपर क्लच है। ARTS स्लीपर क्लच से मतलब है दोस्तों एंटी रिवर्स टॉर्क स्लीपर क्लच। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आप टर्निंग पे बाइक चला रहे हैं और सर दोस्तों अगर बाइक को टर्न करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो अदर बाइक है जिसमें ARTS स्लीपर क्लच नहीं होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा झटके महसूस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ARTS स्लीपर क्लच की वजह से दोस्तों आपको स्मूथनेस का अलग ही अनुभव देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको टर्निंग पे भी अगर आप बाइक शिफ्टिंग कम करके बाइक को टर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको झटका नहीं महसूस होगा, बहुत ही स्मूथनेस फील होगी आपको। तो ये ARTS क्लच की वजह से दोस्तों, जो कि 2019 का सबसे बड़ा अपडेट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके ब्रेक के बारे में। तो इसके फ्रंट में दोस्तों 270mm का डिस्क देखने को आपको मिलने वाला है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है। तो इसमें आपको फ्रंट में भी दोस्तों ABS का सपोर्ट मिल रहा है विद सुपर मोटो ABS के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 270mm का कवर्ड ABS के साथ सुपर मोटो ABS का सपोर्ट मिल रहा है, तो जिससे आपकी ब्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और अगर हम इसका टायर की बात करें दोस्तों, तो इसमें 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, खास बात ये कि इसमें जो टायर यूज किया गया है ना दोस्तों, वो रिमोरा टायर है। तो रिमोरा टायर की होने की वजह से दोस्तों आपको एक अलग ही राइडिंग का एक अलग ही अनुभव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बारिश में भी अगर आप बाइक को चलाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है कि टायर स्लिप हो जाएगा। बट रिमोरा टायर में, रिमोरा टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज की गई है रिमोरा टायर में, उसमें आपको स्किडिंग की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। आप बाइक को आसानी से चला सकते हैं बारिश के टाइम पे भी, ऑफ रोड पे भी। तो यहाँ पे आपको रिमोरा टायर मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होती है दोस्तों। टायर के बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प के बारे में, तो बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे आपको 60x55 वाट का H4 हेलोजन बल्ब देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको H4 हेलोजन बल्ब दिया गया है, जिससे आपको नाइट में इसकी जो विजिबिलिटी होगी ना दोस्तों, वो बहुत ही कमाल की विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि मतलब कि अदर बाइकों में विजिबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे नो डाउट आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको H4 हेलोजन बल्ब देखने को मिलने वाला है। हेडलैम्प के बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके लेफ्ट हैंडल बार की, तो लेफ्ट हैंडल बार में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सेम वैसा ही देखने को मिलने वाला है जैसा
160 अपाचे में आपको मिलता था या फिर 180 में मिलता है। और वहीं अगर हम दोस्तों इसके मिरर की साइड मिरर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है कि यहाँ पे 200 सीसी की बाइक है बट मिरर जो है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोस्तों मिरर को थोड़ा और स्टाइलिश देना चाहिए जिससे बाइक का लुक जो है और भी ज़्यादा निकल के आए। बट दोस्तों नॉर्मल मिरर है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मिरर के बाद दोस्तों हम आते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है दोस्तों, जिसके लेफ्ट में आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाएगा और डाउन साइड में दोस्तों एक वॉच मिल जाएगी, सर्विस रिमाइंडर मिल जाएगा, बैटरी रिमाइंडर मिल जाएगा दोस्तों, और ट्रिप एंड ओडोमीटर भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो इसमें एडिशनल चीज़ दी गई है इसके मीटर कंसोल में दोस्तों वो है लैप मीटर प्लस 0 to 60 टाइमर। दोस्तों 0 to 60 टाइमर है यहाँ पर, आपको मतलब कि ये मतलब पता चल जाएगा कि ये बाइक 0 से 60 की स्पीड में कितने टाइम पर पहुँच जाती है। तो ये बड़ा मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये रेसिंग एडिशन बाइक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड में ये बाइक 0 to 60 का स्पीड गेन कर पाती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक चीज़ और दिया गया है, वो है टॉप स्पीड रिकॉर्डर। तो यहाँ पे आपकी टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी आपको इस मीटर कंसोल में देखने को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मीटर कंसोल बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाला है इसमें। हालांकि दोस्तों इसमें मीटर में बैटरी कनेक्शन दोस्तों इसमें नहीं है, नहीं तो हम आपको चाबी लगा के इसमें ऑन करके दिखाते, क्योंकि लेकिन इसमें दोस्तों बैटरी का कनेक्शन नहीं है, इस वजह से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों अब हम आइए बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी जो है वो है 12 लीटर की दोस्तों, और इसका जो दोस्तों रिजर्व का जो पॉइंट है ना दोस्तों वो इसमें करीब 2.5 लीटर पर इसमें रिजर्व लग जाता है, यानी 2.5 लीटर पर ही आपको यहाँ पर रिजर्व लग जाएगा इसमें। दोस्तों जब फ्यूल की बात हो ही रही है तो दोस्तों हम इसके माइलेज के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसका जो माइलेज है 30 to 35 KMPL का माइलेज आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा अगर आप इस बाइक को एक एवरेज स्पीड में चलाते हैं तो, और अगर ज़्यादा दोस्तों आप इसको रफली यूज़ करके मतलब टॉप स्पीड में चलाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि टॉप स्पीड या ज़्यादा इंजन पर प्रेशर देने से माइलेज ऑटोमेटिक डिम हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आपको 30 to 35 का एवरेज आपको यहाँ पर माइलेज एक नॉर्मल स्पीड या एवरेज स्पीड पे चलने पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसके फ्यूल टैंक पे दोस्तों आपको ग्राफिक बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 3D एम्बल्ड हॉर्स का सिंबल भी मिलने वाला है जो कि देखने में बड़ा ही प्रीमियम लगता है, और ग्राफिक दोस्तों बहुत ही कलर मतलब बहुत ही प्यारा कलर लगता है इसका ग्राफिक जो दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक दिया गया है। दोस्तों फ्यूल टैंक की बात हो गई तो अब हम इसके बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें 197.7 सीसी का इंजन 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इसमें लगाया गया है, जिसका मैक्स पावर है दोस्तों 15.09 यानी 15.09 किलोवाट का इसमें आपको मैक्स पावर मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम इसको BHP में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको 20.23 BHP का पावर यानी 20.23 BHP का पावर मिलने वाला है 8500 RPM पे। और दोस्तों जो इसका मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो है 18.1 यानी 18.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलने वाला है 7000 RPM पे। तो दोस्तों नो डाउट इसमें पावर और टॉर्क बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, और यहाँ पे आपको दोस्तों स्प्लिट सीट दी गई है जो कि एक भी बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अब कंफर्ट की बात करें दोस्तों तो वो कंफर्ट में आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट है, बट आपको चलाने पे इसका कंफर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों कि कंफर्ट कितना है। जब आप इसको राइड करेंगे तो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा लगता है, कंफर्टेबल है या नहीं है, हमसे जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। अब फ्यूल टैंक की बात हो गई दोस्तों, इंजन की बात हो गई और इसके पावर और टॉर्क की भी बात हो गई, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डंपर्स देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन होता है। तो इसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है, मोनोशॉक सस्पेंशन भी बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन होता है दोस्तों। और सस्पेंशन के मामले में TVS वास्तव में बहुत ही बढ़िया रही है, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही दमदार सस्पेंशन देती है। और अगर हम इसके टेल लैंप की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2.5 वाट का टेल लैंप देखने को LED लैंप देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोस्तों अब
अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों बताना चाहूंगा इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस 1,13,000 से 1,14,000 रुपए दोस्तों इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलने वाला है इलाहाबाद प्रयागराज में। और अगर इसके हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो है 1,38,000 से 1,40,000 तक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है प्रयागराज इलाहाबाद में। ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वो अलग अलग एजेंसीज पे अलग अलग सिस्टम से होता है दोस्तों, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस चेक करना है तो दोस्तों आप एजेंसी से कम संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिया गया है, वीडियो के शुरू होने से पहले ही आपको डिटेल दिया गया है, तो आप उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर जब भी आप एजेंसी पर संपर्क किया करें, कॉल करके कुछ पूछें, तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नंबर यूट्यूब से मिला हुआ है, ताकि आपको जो वहाँ से जानकारियाँ दी जाएँ वो एकदम सही और जेन्यून जानकारियाँ दी जाएँ। और वहीं दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें एग्जॉस्ट डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, जो कि बहुत ही तगड़ा लगता है दोस्तों, और बहुत ही दमदार आवाज़ भी इसका देखने को मिलता है आपको। बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग देखने को मिलती है क्योंकि इसमें डबल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है। और अगर वहीं हम दोस्तों इसके रेयर ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको 240 mm का डिस्क देखने को मिलने वाला है, डुअल चैनल ABS, यानी इसमें भी आपको ABS का सपोर्ट मिल रहा है आगे भी पीछे भी। और वहीं इसके टायर की बारे में बात करें दोस्तों, तो रेयर में इसके वाइड टायर्स 130/70 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर, इसमें भी आपको रिमोरा टायर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टॉप स्पीड के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसमें टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 128 तक इसकी टॉप स्पीड लेके जा सकते हैं, बट दोस्तों आपको पता ही है बॉयज इतने पे तो रुकने वाले नहीं है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसको आप 138 से 140 तक टॉप स्पीड इसकी आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं, बट दोस्तों कहना चाहूंगा टॉप स्पीड में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है टॉप स्पीड में बाइक को कभी भी लेके ना जाएं, ये आपकी सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, और आपकी बाइक की सेफ्टी के लिए भी बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और दोस्तों लास्ट में अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसकी जो हाइट है 1105 mm की, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 2018 mm की, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो है 180 mm। तो और दोस्तों इसका जो ओवरऑल वेट है वो है 151 kg, लगभग 1.5 quintal के बराबर। तो दोस्तों 1.5 quintal की ये बाइक है, आप इसको आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में ये पूरी जानकारी मैंने अभी अभी आपको बताई, तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमसे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे वो सवाल ज़रूर पूछें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवाल का जवाब दें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी जानकारी दी हुई जानकारी अगर दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे और मेहनत पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ अपनी तरफ से उसको सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।